सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी भाजपा महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को चेतावनी देते हुए सत्ता में वापस आने की बात कही है। रविवार को देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार से कहा कि मेरा पानी उतरा देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस जरूर आऊँगा। फडणवीस के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं रहे और पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि कभी मत कहना मैं लौटूंगा। गौरतलब है कि रविवार को भाजपा ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले को महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुना गया। अपने बधाई भाषण के दौरान ठाकरे ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं सदन में आया। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन और महाराष्ट्र के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आधी रात को कुछ नहीं करूंगा, मैं लोगों के हित के लिए काम करूंगा। स्पीकर चुने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा अब ये मेरे लिए विपक्ष के नेता नहीं है। फडणवीस की तारीफ करते हुए ठाकरे ने कहा कि मैंने देवेंद्र फडणवीस से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, मैं हमेशा उनका दोस्त रहूँगा। पिछले 5 साल में मैंने कभी भी सरकार के साथ विश्वासघात नहीं किया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।